पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा पाए जाने के चलते गोल्ड मेडल से चूकी भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट भारत वापस लौट आई हैं। यहां परिवार समेत गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि विनेश इस दौरान हताश और दुखी नजर आईं, लेकिन हौसले अब भी बुलंद हैं। उन्होंने लोगों के बीच से लड़ाई को जारी रखने का संदेश दिया। वो ये भी कहती है कि ये पेरिस ओलंपिक उनके लिए बहुत गहरा घाव है। उसमें क्या कहना चाहती हूँ कि बहुत गहरा गांव था ये ओलंपिक मेडल का, पता नहीं मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता उसको पढ़ने में, लेकिन आज जो मुझे अपने देशवासी सोचा जो अपने परिवार का अपना अपने गांव का जो प्यार देखा है तो शायद वो गांव पढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ मुझे मैं तुझे नहीं बता रही, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूंगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में सही जगह पे आगे के लिए क्या भूमिका देखती है अपने साथ। जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ और वो भी मुझे लगता है थोड़ा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको बता रही है, 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंप्लीट जारी रहेगी। बताते चले कि रेसलर विनेश फोगाट बीते दिन पेरिस से स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश को रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पूरिया ने रिसीव किया। एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। विनेश 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS में अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। हालांकि CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी। वहीं विनेश ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने अब रिटायरमेंट से वापसी के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।